वेल सच बताऊं तो आज का हॉल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जो मेरी है ना वो है भैया एक्सेसराइजिंग, और एक्सेसरीज मेरे पास जितनी भी हो उतनी कम है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था हॉल जिसमें मैंने बात करी थी किसके बारे में, रिंग्स के बारे में पर्टिकुलरली, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ये जो पहन रखा है स्टड्स एंड नेकलेसेस के बारे में पर्टिकुलरली फॉर मेन। सबसे पहले बात करने वाले हैं इस ईयर स्टड के बारे में जो मैंने पहना है। ये मेरे पास इस एक पैकेजिंग में आया है और इसके साथ आपको ना एक और पेयर फ्री मिलता है, दो पेयर्स आपको साथ में मिलेंगे। तो ये कुछ पास से इस तरीके का दिखता है, ऊपर से ब्लैक कलर का हल्का सा ये पेंट है एंड साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं पता है इसको यूजुअली सोच रहा था कि पीछे से इस तरीके से पहन लूँ ताकि एक छोटा सा वो डॉट टाइप का दिख जाए, बट इसको थोड़ा सा मुश्किल है यू नो स्क्रू करना इसके अंदर, क्योंकि आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए। जिसके यू नो कान पियर्स्ड है उनको पता होगा कि किस किस तरीके से क्या क्या इसमें स्ट्रगल्स करने होते हैं, एंड आप आराम से कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, बिगिनर के लिए ये एक काफी अच्छी चीज है, दिखने में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसका स्टील भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड ये काफी लाइट वेट है, आपके मतलब यू नो कानों में इतना ज्यादा भारी नहीं लगेगा, तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसके चारों तरफ ध्यान से देखोगे तो एक ग्रीक पैटर्न बना हुआ है जिसमें ना एक हल्की सी अलग इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो कि बहुत डिटेल में जा आपके कोई कान के बिल्कुल ऐसे पास आके जैसे मैं कैमरे के हूँ देखेगा तब उसको दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखने वाला। बट यस, दिस इज क्वाइट अ नाइस बार्गेन एंड लाइक ऑलवेज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्टड जो मेरे लिस्ट पर आया था वो कुछ इस तरीके का दिखता है, येलो चाइंस की तरफ से ऐसा बॉक्स आता है बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा और ब्लू कलर का, एंड इसको जैसे ही आप खोलोगे तो आपको इसके अंदर एक, आप सोच रहे हो यार मैंने पैसे तो भैया ईयर स्टड की दिए, ये कहाँ से आपने स्क्रू लाके मेरे को दे दिया, तो ये एक्चुअली में स्क्रू नहीं है, ये ईयर स्टड है। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू गाइस। वन इटर्निटी लेटर, दिखने में ये बिल्कुल स्क्रू के जैसा है। अब आप बोलोगे लक्ष्य भाई ये तो 10 रुपए का मिल जाता है, कहाँ आप इतने पैसे खर्च करवा रहे हो, लेकिन वो वाला स्क्रू अपने कानों में डाल मत लेना जब तक छेद इतना बड़ा ना हो। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ऊपर से बिल्कुल ऐसे चार मूव वाला है और नीचे से ये ऐसा आ रहता है बिल्कुल स्क्रू की शेप में, तो आप इसको पीछे की तरफ लगा सकते हो। इसमें एक डिस्कम्फर्ट आपको ये होगा कि यार ये ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आप इसको सोते हुए तो बिल्कुल भी मत पहनना, क्योंकि जब सो गए और तकिया से आपके मतलब कान में घुसेगा ना तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि देखो इतना लंबा आता है, इतना लंबा आपके कान के अंदर जाएगा तो अच्छा यार मैं कितनी डबल मीनिंग बात कर रहा हूँ आज। फॉर व्हाट इट्स वर्थ, ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक पीस है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कान में कोई स्क्रू पहन के जा सकता है और आप उनको बिल्कुल गलत ठहराओगे। यस, थोड़ा सा कई लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज अ नाइस पीस एंड यू कैन चेक इट आउट विदाउट एनी डाउट्स। बहुत अमेजिंग चीज़ें और भी रखी है इस हॉल में, तो देखना मत भूलना। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाला हूँ वो इस तरीके के डब्बे में आता है, ये भी एक स्टड का है पर ये येलो चेंज की तरफ से ही है, एंड लेट्स जस्ट ओपन इट। इस तरीके से आपको एक ऐसा एक ट्रांसपेरेंट पाउच मिलता है और इसके अंदर जो चीज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करने वाली, क्योंकि ऐसे वाले ईयर स्टड्स मैंने यूजुअली कभी पहने नहीं है। मैं खोलना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीस राइट हेयर। ये आप देख रहे हो ध्यान से, ये पूरा ब्लैक कलर का है और मैट ब्लैक की फिनिश के साथ साथ आपको ऊपर ना एक सिल्वर की टच भी मिलती है जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एनहैंस्ड अच्छा बना देती है। इसको आप किसी भी तरीके से पहन सकते हो, आप पीछे यहाँ से इस तरीके से भी इसको शुरू कर सकते हो और आगे से तो इसको पहन ही सकते हो। मैं यूजुअली इसको आगे से नहीं पीछे से पहनने वाला, क्योंकि जो पीछे वाला छोटा सा पार्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, लेकिन यस आगे से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। येलो चाइम्स अगेन एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है, अभी तक शायद कॉम्पिटिशन में इनके ज़्यादा लोग नहीं है, बट इसको भी आप पहनने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जितने भी मैं स्टड्स दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कान पियर्स्ड हैं, एंड यस अगर आप लड़के और सोच रहे हो कान पियर्स करवाने यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। काफी टाइम से मेरे भी कान सूने सूने पड़े थे लेकिन अब मैंने वापस से इनको पहनना स्टार्ट किया है, और ध्यान रखना राइट वाला नहीं लेफ्ट वाला छिदवाना। ये प्लास्टिक का बना है, इसे मेटल का कहीं यूज नहीं है, बट स्टिल द क्वालिटी इज क्वाइट ड्यूरेबल। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने काफी एक चीप यू नो 10-20 रुपए वाला कोई स्टड खरीदा। यस दिस इज क्वालिटी एंड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अगेन लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। एक और स्टड जो मेरे पास आ जाता है वो आता है इस बॉक्स में। आप सोच रहे हो यार बिल्कुल प्लेन बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, लेकिन लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू गाइस एंड लेट मी शो यू इसके अंदर क्या है। मैंने अगर आपको रिंग्स वाला हॉल याद होगा तो उसमें दिखाया था कि कितने सारे एक अच्छे तरीके से जीवा करके जो ब्रांड है वो बना रहे हैं, एंड उसी के एक कॉम्पिटिशन में ये ब्रांड आ जाता है जिसका नाम है ओरायंस, ORIONZ ओरायंस, और ये काफी अच्छे पाउच में आता है और इसके अंदर अगेन जिप लॉक आपको पैकेट मिलता है जो कि आई थिंक बैन हो चुका है, आई थिंक प्लास्टिक तो बैन हो गए थे फिर ये कैसे मिल रहे हैं, एनीवेज छोटे छोटे गलियों में सब बन जाता है यार, असल किसी से कुछ नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर ईयर स्टड जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड यस ये है 925 सिल्वर, 92.5% सिल्वर है इसके अंदर, तो आप इसको अगेन अपने पास रख सकते हो, इसकी वैल्यू जब बढ़ जाए तब आप बेच सकते हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ये प्रॉब्ली लोगों को लगेगा यार ये कैसे लड़कियों वाले दिखा रहे हो, बट दिस इज नॉट फॉर वुमेन, दिस इज फॉर मेन। आप इसको आराम से इजिली कैरी कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स, एंड यस सिल्वर की अगर बात आ जाती है तो आप इसको इतने अच्छे तरीके से रख सकते
सकते हो। और ये ना एक सिल्वर ज्वेलरी जो होती है बिल्कुल अलग चमकती है, ब्लैक वाली भी चमकती है, मैट वाली भी चमकती है, गोल्डन वाली भी चमकती चमकती है, बट ये जो सिल्वर ज्वेलरी होती है इसकी मिनिमलिज्म में इसका राज है, इसकी मिनिमलिज्म में इसका सवाल है। सो इफ यू हैव द बजट एंड आपको लगता है कि हाँ यार मैं इनको ट्राई कर सकता हूँ, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस विदाउट एनी डाउट्स एंड आई थिंक यू विल रॉक इट। अगेन 92.5% सिल्वर, बाकी जितना भी मटेरियल होता है वो कॉपर या किसी और स्टेनलेस स्टील के मटेरियल से बना होता है, वो भी हाई क्वालिटी का होता है अगर आप देखा जाए तो। यस, जो आप पैसा दोगे वो आपके काम आएगा एट द एंड ऑफ द डे। लास्ट स्टड जो मेरे पास आ जाते हैं वो इस वाले छोटे से पैकेट में आते हैं, अगेन फ्रॉम येलो चाइम्स, लेकिन ये थोड़े से अलग है एंड आपने ज्यादातर सेलिब्रिटीज को या फिर यू नो नॉर्वेजियंस को पहनते हुए देखा होगा, जितनी भी सीरीज वगैरह आती है उसमें ये थोड़े से अलग है बट दे लुक रियली गुड। एंड ये देखो इस पे जो नीचे है, पर्टिकुलरली पहले वाले की बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील में आता है फेदर की फॉर्म में, ये थोड़ा सा लटकते हुए दिखता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड अगेन उन लोगों के लिए जिनके कान पियर्स्ड है, यहाँ पे थोड़ी सी और आपको रिंग्स मिलती है चार पांच टाइप की छोटी छोटी, एंड साथ ही में उसके दूसरा जो आ जाता है वो इस तरीके का है, ये एक पेंडेंट है जो कि लटका हुआ है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, काफी अच्छा लगता है, यूनिक है। ये सारे स्टड जितने भी आप ब्लैक कलर के देखते हो तो सभी को ही पहनते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अलग दिखाया है। एंड यस, यू कैन कैरी देम विद योर स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट्स विदाउट एनी डाउट, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल एंड आपको एक बजट में देखने को मिलती है, तो आप इसको आराम से अपने तरीके से यूज कर सकते हो। थोड़ा सा यस भारी है ये, बाकियों की तरह हल्का नहीं है, बट यस आपको अगर एक डिजाइन चाहिए जो कि अलग हो, जो कि यू नो यूनिक हो, then you can definitely go for this. Again, under budget है and if you want to try it out, link is in the description. अब आ जाते हैं necklaces की तरफ, क्योंकि मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहला जो necklace है वो मेरे पास इस तरीके का आता है। Let me just show you the box and the brand. इसका नाम है Fashion Frills, या Fashion Frill करके ये ऐसे box में आता है और simple packaging है, इस तरीके से आता है, Amazon का ऊपर लिफाफा आपको और मिल जाएगा। And इसके अंदर ये कुछ इस तरीके का दिखता है, let me just open this for you guys. Necklaces की particularly बात कर रहे हैं तो इंडिया में यार काफी कम necklaces हैं जो लोग प्रोवाइड करते हैं एंड मेन के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम बने हैं। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दीज आउट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड सबसे पहला नेकलेस जो है वो है सिल्वर ज्वेलरी इस तरीके की, ये पूरा सिल्वर के फॉर्म में आता है, लेकिन ये छोटा सा जो एंकर दिख रहा है ना आपको, यही इसकी पूरी कारीगरी है, यही इसका पूरा स्वाद है भाई साहब। ये वाला जो सबसे पहला आता है थोड़ा सा अलग है दिखने में, एंड यस ये काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी स्ट्रीट स्टाइल या आउटफिट्स को। इसके जो चेन है वो भी काफी एक अच्छी क्वालिटी से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वालिटी दे दी आपको या सिर्फ एक धागा बांध के दे दिया हो कि हाँ ये लो अपना नेकलेस। जितने आप पैसे पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको चीज मिल रही है। ऑल्दो जो पेंडेंट है वो बहुत ज्यादा ऐसा हैवी नहीं है, स्टिल यस आपको एक काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। स्टेनलेस स्टील में ये आता है एंड आपको जो डिजाइन देखने को मिल रहा है वो थोड़ा पायरेट वाला होता था ना, एंकर है ये प्रॉपर जिस तरीके से, तो ये आपको वैसा देखने को मिलेगा। इफ यू आर इन टू दिस एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई सम डिजाइन आउट, दिस बैड बॉय इज फॉर यू। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते। और उसी बैड बॉय को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे पास एक और ब्रांड है जो कि है येलो चाइम्स, इस वाले बॉक्स में आता है। इसके अंदर भी एक और पेंडेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एंकर की तरह नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है बट स्टिल कहीं ना कहीं वो वाली फील्स देता है एंड ये ज्यादा हैवी पेंडेंट है। और बात करें नेकलेस की तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हुक वाला पेंडेंट है, इसको ध्यान से देखते रहो आप, हिप्नोटाइज हो रहे हो, आप नहीं हो रहे हो मुझे पता है, बट आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार बिना हिप्नोटाइज हुए, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि और ऐसे ऐसी व्लॉग्स और वीडियोस आप देख पाओ रेगुलरली। अगर हम चेन की बात करें एक काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, एंड वहीं हुक की बात करें तो इसके पेंडेंट की क्वालिटी यार काफी हैवी है, काफी भारी है। इसको काफी शौकीन जो बंदे होंगे ना वही पहनना प्रेफर करेंगे, रादर देन हर कोई इसको नहीं पहन सकता, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट ऐसे इतना क्या सोचना, अगर आपको पसंद आता है, इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय नेकलेसेस एक्सेसरीज, गो फॉर इट। इतना यार लोगों बातों पर आने की जरूरत है नहीं, सब तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। काफी हैवी क्वालिटी है एंड स्टेनलेस स्टील के साथ ये काफी एक अच्छा नेकलेस आपको देखने को मिलता है, यू कैन गो फॉर दिस। लड़कों के लिए वैसे इतने कम चॉइसेस हैं, तो यस अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक और हैवी क्वालिटी में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इस तरीके का ब्रांड आता है UZ का। ये पेंडेंट के बॉक्सेस जो है ना उनकी पूरी क्वालिटी के डिफाइन कर देते हैं एंड ये फैशन ज्वेलरी के जैसा इसमें बताया गया है। साथ में आपको एक पाउच भी मिलता है जिसमें आप अपना यू नो ज्वेलरी वो रख सकते हैं, काफी हल्का पाउच है जीवा वगैरह से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि आप पैसे भी कम ही दे रहे हो, इतना ज्यादा पैसे नहीं दिए थे इसके। लेट मी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इनसाइड, मैंने अभी तक खोला नहीं है तो आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके पेंडेंट का एक अलग पाउच आया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेंडेंट। ये भी एक काफी अच्छी क्वालिटी में है, काफी हैवी क्वालिटी में, तो पेंडेंट अगर आप इस तरीके का लेना चाहते हो जिसमें ये ऐसा ट्रायंगुलर डिजाइन बनाओ, थोड़ा सा मैचो लगे, मैस्कुलिन लगे, तो यू कैन गो फॉर दिस। ये वाले नेकलेसेस ना थोड़े से एक्स्ट्रा वैगेंजा होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल चेन पहनना चाहते हो तो हर बंदा पहन रहा है ना, बट मैं आपको कुछ अलग चीज दिखा रहा हूँ। एंड दूसरी बात ये कि जो आप इसके सिल्वर चेन देख रहे हो ना, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की है, ऑल्दो
जो मुझे पर्सनली पसंद आई वो येलो चाइम्स की थी, बट येस ये वाली क्वालिटी भी बुरी नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पेंडेंट, ये काफ़ी एक अच्छे डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट्स के साथ आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो, और जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली बना ही हुआ है लड़कों के लिए, सो आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर काफ़ी एक अच्छा सटल सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद इट, एंड मुझे देखते ही ये पसंद आ गया था तभी मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इफ यू रियली वॉन्ट टू सी आपके ऊपर कैसा लगेगा, इसको मंगवाओ और अपने ऊपर पहन के देखो भाई। एक और नेकलेस जो मेरे पास आता है अगेन फ्रॉम द ब्रांड ऑफ येलो चाइम्स, लेट्स ओपन दिस अप एंड लेट मी शो यू कि इसके अंदर क्या है। आई थिंक ये वाला इनका बेस्ट सेलिंग पेंडेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिव्यूज भी देखे थे मैंने, प्लस इसकी जो क्वालिटी है चेन की वो काफ़ी अच्छी है। लेट मी शो यू द चेन क्वालिटी फर्स्ट, इस तरीके का दिखता है एंड द पेंडेंट इटसेल्फ, ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें भैया आप अगर आप सूर्य देव के फैन हो तो आप पहन सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। ये काफ़ी एक अच्छा और इनका बेस्ट सेलिंग इसी वजह से क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे अंदर से हॉलो नहीं है, प्रॉपर भरा हुआ है एंड स्टेनलेस स्टील के साथ ये आपको देखने को मिलता है। ये देखो ज्वेलरी जिसमें ना ब्लैक कलर की फिनिशिंग आ जाती है और सिल्वर होती है ऊपर से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आई सो लव देम। एंड यस ये एक बजट में भी आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे यार। देखो मेरे को पता है कि कई लोग बोलेंगे कॉमेंट सेक्शन में, हमारे यहाँ तो 50 का मिल जाता है, 60 का मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। ये जो क्वालिटी है मेरे यहाँ भी पाली का है भाई, मुझे पता है कि कितने का क्या मिलता है, 20-30 रुपए के मैंने भी खरीदे हैं वहाँ से कभी ना कभी नेकलेसेस, बट वो कितने चलते हैं, कुछ भी नहीं चलते, वो धागा देके तो हमें दे देते हैं, और इसकी जो चेन की क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल खस्सी होती है। बट येस जो आपको यहाँ मिल रहा है पैसे दे के वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, एंड येस जितना आप पैसा पे करोगे उसके हिसाब की आपको क्वालिटी मिलेगी, सो ये एक तो नोन फैक्ट है ही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नेकलेस जो मेरे लिस्ट पे अगेन फ्रॉम द ब्रांड ऑफ फैशन फ्रिल। ये थोड़े से ब्रांड रेपिटेटिव आई नो लग रहे होंगे आपको, बट ये जो जाने माने ब्रांड्स हैं उन्हीं के आपके पास लेके आया हूँ। एक और पेंडेंट जो मैंने आपको पहले दिखाया उसका थोड़ा सा सिमिलर वर्जन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको वो पसंद नहीं आता यार चलो स्टेनलेस स्टील में लेना, हम एक ब्लैक में लेते हैं, तो ब्लैक में ट्रायंगुलर डिजाइन में ये वाला आपको देखने को मिलेगा। पेंडेंट की लुक देखो, ग्लॉस फिनिश में, ग्लॉस मैट में कितना ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। इस वाली आउटफिट के साथ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि इसके ऊपर ना ये छुप जाएगा। आप इसको वाइट टी शर्ट्स के साथ या जितने भी लाइट कलर्स हैं ना उनके साथ पहन के देखना, यू विल रॉक द लुक। एंड सबसे अच्छी बात जो इसकी जो चेन है वो भी ब्लैक कलर की है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ पर ब्लैक नहीं होते, यहाँ ब्लैक दे देते हैं, बाकी चेन वो सभी सेम ही यूज़ कर रहे होते हैं। बट यस एक ग्लॉस फिनिश में इस तरीके का पेंडेंट आपके पास अगर हो और जो कि अच्छी क्वालिटी हैवी क्वालिटी का हो, ऐसा सस्ता टिकाऊ नहीं, देन यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। डिज़ाइन बिल्कुल सेम है बस कलर अलग है, सो यू आर द बेटर जज कि आपको ब्लैक की तरफ जाना है, स्टेनलेस स्टील के उस तरफ जाना है। मैं होता तो प्रोबेबली पहले जो मेरी चॉइस होती वो सिल्वर ज्वेलरी होती, उसके बाद मैं इसकी तरफ आता, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा बॉयज स्टाइल में है, वो हर बंदा कैरी कर सकता है। लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर नेकलेस फ्रॉम अनदर ब्रांड, ये भी U7 है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो काफ़ी अमेजिंग है, मुझे मतलब पसंद आ रही थी। अगेन इसके अंदर भी आपको एक ऐसा पाउच देखने को मिलता है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, एंड लेट्स ओपन द थिंग। चेन की क्वालिटी सुपर्ब, आई रियली लाइक इट, ऑल्दो मुझे येलो चेन की ज़्यादा पसंद आई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेंडेंट, ये जो वुल्फ फैंग होता है ना उसकी तरह लग रहा है, फैंग से आपको कुछ और याद आ रहा है, लियर फैंग, एनीवेज फैंग ये जो देख रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा एक अमेजिंग क्रीसेंट वाला जो मून होता है ना उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। ऑब्वियसली फुल मून पे भेड़िए बाहर आते हैं, तो इसको आप अगर पहन लोगे तो आप बच सकते हो उनसे। एनीवेज डिज़ाइन काफ़ी सटल है, मुझे इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी पसंद आई। यूजुअली फिनिशिंग ही एक चीज़ होती है जो कि एक्सेसरीज को अलग करती है, बढ़िया करती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट इसमें जो फिनिशिंग है वो एक प्रॉपर रखी है। थोड़ा सा प्राइस इनका ज़्यादा है ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिनिशिंग स्टफ एंड जो चीज़ें उन्होंने इसमें डाली है, जो एफर्ट्स डाले हैं वो दिख रहे हैं, एंड आई थिंक यू शुड ट्राई इट आउट विदाउट एनी डाउट्स। अगर आपको कभी ना जरूरत पड़ रही है कैन ओपनर की तो आप इससे करके खोल देना, मजाक कर रहा, खोल मत देना, कहीं टूट जाए तो मुझे बोलो अक्षय भाई आपने बोला था, नो 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 इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था नेकलेसेस का हॉल एंड इयररिंग्स का हॉल, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। जो जो आप चीज़ें खरीदने वाले हो कमेंट करके बताना कि मुझे ये पसंद आया था, और किस टाइप के हॉल्स आप देखना चाहते हो। एक्सेसरीज का तो मुझे बड़ा मजा आया बनाने में, आप बता सकते हो कि और ये वाले हॉल्स भी आप लेके आओ इस चैनल पे। उसी एक हॉल के साथ आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बेबी।